जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 13 दिसंबर 2021 सोमवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रह नक्षत्र व चंद्रबल के प्रभाव से आज 12 में से 6 राशियों की किस्मत चमकेगी। इन 6 राशि वालों में आज है वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, सोमवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत रेवती नक्षत्र से होगी और मीन राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज सूर्योदय प्रातःकाल 7:04 पर होगा और सूर्यास्त सायंकाल 5:25 पर होगा और आज राहुकाल प्रातःकाल 8:22 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:39 तक राहुकाल रहेगा। तो आज राहुकाल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें। आज दिशा शूल रहेगा पूर्व दिशा में, तो आज के दिन आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। पूर्व दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करके या इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज का सर्वश्रेष्ठ अति श्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा प्रातःकाल 11:54 से आरंभ होकर के दोपहर 12:35 तक सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज जो है आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, विलासिता पूर्ण माहौल का आनंद उठाएंगे, बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति के योग रहेंगे जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। सायंकाल के समय आप परिवार के सदस्यों और मित्रों के प्रति उदार रवैया रखेंगे जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आज मित्रों के सहयोग से किसी विशेष कार्य में सफलता के योग रहेंगे और माता पिता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा जिससे कार्य क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त हो सकेगा। तो आज स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दिया जला करके ओम सांब सदाशिवाय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन स्वास्थ्य के प्रति ठीक नहीं माना जा सकता है। खान पान से आपको बचना चाहिए, आलस्य का त्याग करें। ध्यान रहे कि किसी भी वस्तु की अधिकता आपके लिए आज हानिकारक हो सकती है। वृश्चिक राशि वाला कोई व्यक्ति आपके समक्ष प्रस्ताव पेश कर सकता है किंतु उसके बहकावे में किसी प्रकार से आपको नहीं आना चाहिए। आज आपको सतर्क रह करके कार्य व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। वैसे आर्थिक पक्ष आज आपका मध्यम रहेगा। सायंकाल से रात्रि तक किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर आपको मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 60% प्राप्त हो सकेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके कच्चे दूध से शिव जी को स्नान करावें, बिल्व पत्र अर्पित करें और बैठ करके ओम सोमेश्वराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन।
मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ करने वाले हो सकते हैं या किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसको सफलतापूर्वक पूरा होने में समय भी लगेगा, आपको धैर्य धारण करना चाहिए। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए दिन शुभ है। कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए उत्तम है। आर्थिक लाभ की उम्मीद आप ज़्यादा कर सकते हैं। सेहत और वित्तीय मामलों की अनदेखी आज आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को सोच समझ करके आपको करना चाहिए। फिलहाल जमीन जायदाद के लिए निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त हो सकेगा। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी को पंचामृत से स्नान करावें और अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करवा करके श्रृंगार करें। बिल्व पत्र और मिश्री का भोग अर्पित करें और बैठ करके ओम रुद्राय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिलने और भुगतान आदि मिलने से आप व्यावसायिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। उपयुक्त व्यक्ति और उम्दा अवसर आपको मिलते रहेंगे जिनकी अतीत में आपको तलाश थी। घटनाएं सब आपके अनुकूल होगी और कार्य क्षेत्र में आप अच्छी प्रगति कर पाएंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त हो सकेगा। स्वास्थ्य आज आपका सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शिव परिवार की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, बिल्व पत्र अर्पित करें, पंचमेवा का भोग लगावें, श्रीफल चढ़ा करके ओम श्री उमापतये नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि निजी संबंध प्रेमपूर्ण और सहयोगपूर्ण आपके रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आप विभिन्न कार्यों में सक्रियतापूर्वक भाग ले पाएंगे। अपने पार्टनर के साथ मिलकर के आप अपने संसाधनों को एकजुट करने में सफल भी रहेंगे। सायंकाल का समय आध्यात्म समागम में व्यतीत होगा तो बेहतर होगा। आध्यात्म से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रात्रि में आपको कोई उपहार या सरप्राइज मिलने के योग हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त हो सकेगा। तो आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी को गंध पुष्प अक्षत अर्पित करें और लाल पुष्प की माला चढ़ावें, बिल्व पत्र अर्पित करें और ऋतु फल पंचमेवा का भोग लगावें, एक श्रीफल चढ़ा करके ओम त्रिनेत्राय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। तो कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो सहकर्मियों के सहयोग से आज आप एक परियोजना को पूरा करने में सफल रहेंगे। किसी महान व्यक्ति के हस्तक्षेप से पारिवारिक विवाद का समाधान होगा। आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। परिस्थितियों का आकलन करें और फिर दिल और दिमाग की बात सुनकर के कोई निर्णय लें। आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त हो सकेगा। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी को कच्चे दूध से स्नान करवा करके शुद्ध जल से स्नान करावें, अच्छे से श्रृंगार करें, बिल्व पत्र धतूरा अर्पित करें,
और पंचमेवा का भोग लगावे, श्रीफल चढ़ावे और बैठ करके ओम उमापतये नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज जो है आपको त्रिकोणीय व्यापारिक साझेदारी व संबंधों से विशेष लाभ के योग हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के मामले में त्रिकोणीय रिश्ते आपके जीवन में समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आज आपको सतर्क रह करके कार्य व्यवहार करना चाहिए। आप जीवन में तीन भूमिका निभाने में सक्षम रहेंगे। बेहतर यही होगा कि हर भूमिका को अलग अलग आपको रखना चाहिए, उन्हें आपस में मिलाना नहीं चाहिए, अन्यथा आप संशयग्रस्त आज हो सकते हैं। मन को एकाग्र करके किसी भी काम को आप करेंगे तो आज सफल रहेंगे। सायंकाल का समय मनोरंजन में व्यतीत कर पाएंगे। अध्यात्म से जुड़ना आज आपके लिए काफी फायदेमंद है, तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त हो सकेगा, तो आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शिव परिवार की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, बिल्व पत्र अर्पित करें और भगवान शिव जी को पंचमेवा और मिठाई का भोग अर्पित करें। एक श्रीफल चढ़ा करके ओम उमापतये नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपकी राशि से तीसरे स्थान में शनि एवं धनु में केतु का द्विग्रही योग मिश्रित फल देने वाला होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होने के बावजूद आप जो भी काम करेंगे साहस के साथ कर पाएंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र और परिवार में कठिनाइयों का सामना वैसे आपको करना पड़ेगा, इनका सामना आप साहस के साथ करेंगे और विजय श्री प्राप्त होगी, तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त हो सकेगा। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी को कच्चे दूध में केसर मिला करके अभिषेक करावें, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा करके यज्ञोपवीत अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें और 11 बिल्व पत्र सफेद चंदन लगा करके चढ़ावें, मिश्री का भोग लगावें और बैठ करके ओम सोमेश्वराय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज जो है सेहत और वित्तीय संसाधनों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। दूसरे लोगों के कार्यों के लिए ज्यादा वक्त और ऊर्जा बर्बाद आपको नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग आज आपको कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग एक के बाद एक दूसरी फरमाइशें आपके सामने पेश कर सकते हैं। आज समाज में भी आपका महत्व बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपके मूड में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, वैसे भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, तो आज आपको भाग्य का साथ 55% प्राप्त हो सकेगा। तो आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दिया जला करके गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, मिश्री और मिठाई का भोग अर्पित करें, 5 बिल्व पत्र सफेद चंदन लगा करके चढ़ावें, कर्पूर से आरती उतारें और बैठ करके ओम रुद्राय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपकी राशि से पहले स्थान पर मकर राशि पर शनि का संचरण होगा। आप परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मुहाने पर रहेंगे। किसी कठिन दौर से गुजर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए जब अंधेरा गहराता है तभी सवेरा कबीरी करीब हो जाता है, तो सच्चाई का सामना आप करेंगे। आपके समक्ष भावनात्मक समस्याएं ज्यादा रहेगी। आज आपको भाग्य का साथ थोड़ा सामान्य मिलेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 54% प्राप्त हो सकेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है।
शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शिव परिवार को पंचामृत से स्नान करावें। पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा करके अच्छे से श्रृंगार करें। गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। 21 बिल्व पत्र सफेद चंदन लगा करके चढ़ावें। धतूरा अर्पित करें। पंचमेवा और मिठाई का भोग लगा करके ओम सांब सदाशिवाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपकी राशि के स्वामी शनि के 12वें भाव में होने से निजी संबंधों पर भावनाएं हावी ज्यादा रहेगी। अपने मन की आवाज को अवश्य सुने। हर मामले में अतिवादी होने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन के कड़वे अनुभवों से सबक आपको सीखना चाहिए और अतीत को भूल करके वर्तमान में कदम आगे बढ़ाएं। आपको सफलता मिलेगी। आज आपके कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन की संभावना रहेगी तो आज आपको भाग्य का साथ 60% प्राप्त हो सकेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शिव परिवार की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति बिल्व पत्र अर्पित करें। मिश्री का भोग लगावें। एक श्रीफल चढ़ा करके ओम भीमेश्वराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज चंद्रमा जो है मेष राशि पर संचरण करेगा जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। जो उम्मीदें संजो रखी है उनके पूरा न होने पर आप खिन्न भी हो सकते हैं। निजी संबंधों के कुछ मामलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज एक बात विशेष रूप से आपको नोट करना चाहिए कि जीवन में जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तब आपके पारिवारिक सदस्यों से वांछित सहयोग प्राप्त थोड़ा सा कम हो पाएगा। वैसे आज आपको अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर किसी भी कार्य को करना ठीक रहेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त हो सकेगा। शारीरिक स्वास्थ्य आज आपका सामान्य रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका जामुनी रंग है। जामुनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी को कच्चे दूध में केसर व चंदन मिश्रित करके उससे स्नान करावें। पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा करके यज्ञोपवीत और वस्त्र अर्पित करें। लाल पुष्प की माला और 11 बिल्व पत्र अर्पित करें। पंचमेवा मिठाई का भोग लगा करके एक श्रीफल चढ़ावें और कर्पूर से आरती उतार करके ओम श्री नंदीश्वराय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों फिर मिलेंगे।